आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपनी जगह का पिन कोड कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जगह का किसी जगह पर गए हैं और उसका पिन कोड आपको मालूम नहीं है, आप उस वहाँ का पिन कोड पता करना चाहते हैं तो उस पिन कोड कैसे पता कर सकते हैं, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेगा, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने जगह का पिन कोड कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले पिन कोड पता करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं मेरा गूगल यहाँ देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ गूगल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे गूगल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जहाँ मिलता है गूगल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गूगल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको यहाँ गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक चीज़ सर्च करना पड़ता है। हम आपको सर्च करके दिखाते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंडियन पोस्ट। यहाँ जैसे ही इंडियन यहाँ पोस्ट लिखते हैं, लिखने के बाद आपको काफ़ी सारा वेबसाइट आपको ओपन देखने ओपन हो जाएगा। आपको एक वेबसाइट यहाँ फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ हाँ ये पोस्ट ऑफिस आपको ये वाला लोगो देखने को मिल जाएगा। इसी प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है वेबसाइट पर। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ काफ़ी सारा आप देखते हैं ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कैलकुलेटर, पोस्ट टैग, आप पिन कोड, क्लिक बुक। यहाँ हम लोग पिन कोड का पता करना चाहते हैं तो यहाँ फाइंड फाइंड पिन कोड टच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्स कर देते हैं, रिफ्लेक्स यहाँ बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पिन कोड पर हम लोग फाइंड पिन कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपको कुछ देर वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी यहाँ स्टेट होगा आपको यहाँ स्टेट भर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है। आप पोस्ट ऑफिस का नाम होगा तो यहाँ भर सकते हैं, नाम याद नहीं होगा तो नहीं भर सकते हैं। हम यहाँ नहीं भरना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस का नेम, तो चलिए हम इसको हमला का स्टेट हम लोग चुन लेते हैं। स्टेट बिहार है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना अपना चुन लीजिए। मेरा पूर्वी चंपारण है, यहाँ पूर्वी चंपारण चुन लेते हैं। हमारा पोस्ट ऑफिस को याद नहीं है, पोस्ट ऑफिस हम लोग याद नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ जो भी कैप्चा को देखने को मिल रहा होगा, हम लोग यहाँ कैप्चा पे जो कैप्चा को देखने को मिल रहा होगा कैप्चा को हम यहाँ फिल कर देते हैं। यहाँ 299C22 यहाँ कैप्चा क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ सर्च का देखने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ देर आपको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्स करेगा। रिफ्लेक्स करने के बाद नीचे आप जैसे ही चले जाएगा आपको काफ़ी सारा यहाँ पिन कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस जो भी आपको मिले, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा कोई भी यहाँ नहीं दिख रहा। अपना यहाँ पोस्ट ऑफिस खोज लेंगे, यहाँ भी नहीं दिख रहा हम लोग का अपना पिन कोड, यहाँ पर भी नहीं। हम लोग यहाँ 2 नंबर पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 नंबर पर क्लिक कर देते हैं, फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज दिखता होगा, आपका भी कुछ लिख रहा है। देख सकते हैं मेरा यहाँ ऑरेंज आपको देखने को मिल जाता होगा। इसका पिन कोड भी यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ जस्ट लिखा है पिन कोड, पिन कोड के जस्ट बीच लिखा है 8454411। ऐसे अपना जो भी आप जहाँ भी रहते हैं अपने जगह का पिन कोड पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लगा हो तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।